हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह और बहुत प्यारी सुबह थी आज। इतना ब्राइट सनी डे था ना, मज़ा ही आ गया सुबह सुबह उठकर। बहुत प्यारी धूप आई हुई थी और हम लोगों के लिए ना धूप एक लग्जरी होती है भाई, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ग्रे वेदर ही रहता है, बारिश होती रहती है और ठंड रहती है। वैसे ठंड काफ़ी हद तक कम हो गई है, बट अब हो ये रहा है कि सडनली कभी अच्छा वेदर होता है, कभी बारिश होके ठंड हो जाती है, कभी थोड़ा नॉर्मल वेदर हो जाता है, बर्दाश्त वाली ठंड होती है, कभी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और सर्दी ज़्यादा हो जाती है। आई थिंक बस ऐसे ही स्लोली स्लोली अब समर्स में कन्वर्ट हो जाएगा वेदर। ये फ्राइडे का दिन है इसलिए सारे काम एक दिन पहले ही कर चुकी थी। आज मेरे पास कोई खास काम नहीं था, बस मैंने पूरे घर में अच्छे से लिनन स्प्रे कर दिया था। उसके बाद बारी थी बखूर जलाने की, सो वो मैंने जलाने के लिए रख दिया था। ये हमने एक स्टोव खरीदा हुआ है जिसमें हम अपने कोल्स वगैरह बखूर वगैरह बर्न करते हैं। ये भी हमने अमेजोन से लिया था ताकि खाने में भी अगर धुनी वगैरह देनी है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। और ये जो बखूर है ना, ये मैंने अम्मी के लिए लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें जब पैकिंग वगैरह हुई तब रखना भूल गए, सो अब मैं उसको यूज कर रही हूँ, ना ये उन्होंने अपने साथ लेके जाना था। फ्राइडे स्पेशली मैं बखूर जलाने लगी हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी अच्छी सी वाइब्स आती हैं। और फजर पढ़ के मैंने थोड़ी देर फोन यूज कर लिया था तो लेट सोई, इसलिए आग भी लेट खुली, इसलिए बस अब फटाफट मैं जुम्मे की नमाज की तैयारी करूंगी। मेरा एक न्यू ड्रेस आयरन हुआ रखा हुआ था, मैंने कहा चलो आज इसको पहन लेते हैं, जुम्मे का दिन है। इस पे इतनी प्यारी ट्रेडिशनल कढ़ाई हुई हुई है ना, ये खद्दर का है, बहुत प्यारा, और केसरिया प्रेड से मैंने लिया। इस बार जब मैं पाकिस्तान गई तो मुझे विंटर कलेक्शन बहुत हाफ प्राइस में केसरिया से मिल गई। आई थिंक 60-70% डिस्काउंट पे मैंने ये सारे कपड़े लिए, क्योंकि वहाँ पे समर कलेक्शन आ चुकी थी और मेरे लिए तो अभी खद्दर काम की है, यहाँ पे ठंड ही है, तो इसलिए मैंने फटाफट हाफ से भी हाफ प्राइस में ये सारे केसरिया से विंटर कलेक्शन उठा ली। इसकी शॉल भी बहुत वार्म सी है, सो काफी मुनासिब पैसों में मुझे बहुत अच्छी चीजें मिल गई। बस अब हम चल पड़े थे जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। नमाज पढ़ के वापस आए तो बस फिर मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि कुकिंग वगैरह आज कुछ करनी नहीं थी। हमने रोज़ा रखा हुआ था, शवाल का मंथ है और इसमें अगर हम 6 रोजेस रखते हैं तो हमें पूरे साल रोजे रखने का सवाब मिलता है। इस बार हम दोनों ट्राई कर रहे हैं कि हम 6 रोजे रख लें। 2 यहाँ पे दिन काफी बड़े हो गए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहे हैं रोजे। आप लोग भी कोशिश करें कि ये 6 रोजे रख लें, इसका बहुत बहुत ज्यादा अजर है। और अभी तो शवाल का मंथ बाकी है तो आप लोग आराम से 6 रोजे रख सकते हैं। अच्छा जी, कुरान पढ़ के फिर मैं लग गई थी वीडियो एडिट करने के लिए। मैंने ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना था, वो मैंने अपलोड किया, आप लोग देख चुके होंगे, अब मेरे चैनल पे लाइव है, और अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए और अपना प्यार दिखाइए। बस वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर वगैरह से फ्री होके मुझे इतना टाइम हो गया था कि अब इफ्तार का वक्त आ गया। वैसे तो हम मोस्टली खाना ही खा रहे हैं आजकल, लेकिन मुझे ना कल से पाकिस्तान वाली हाईटी बहुत याद आ रही थी। जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और हाईटी इंजॉय करते हैं, खैर उसका तो मेन्यू बहुत बड़ा होता है और बहुत मजेदार चीजें होती हैं, बट मेरे पास जो चीजें अवेलेबल थी मैंने सोचा चलें आज छोटी सी हाईटी पार्टी करते हैं। 2 लोग हैं तो क्या हुआ भाई, एंजॉय करने का तो पूरा हक है ना हमारा। तो बस मैंने देखा फ्रिज में मेरे पास क्या रखा हुआ है और मुझे नजर आ गई ये हरी मिर्चें। ये मैं रमजान में लेकर आई थी पेरी पेरी बाइट्स बनाने के लिए। रमजान में मैंने बनाई भी थी, वो हमने रमजान में खत्म कर ली, ये बाकी रिमेनिंग थी। मैंने सोचा इससे पहले ये खराब हो चले आज पेरी पेरी बाइट्स दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत बहुत पसंद है और यहाँ मुझे अभी तक मिली नहीं है। मैं काफी अरसे से ढूंढ रही हूँ, इनफैक्ट यहाँ के नेंडोज में भी पेरी पेरी बाइट्स नहीं मिलती हैं। सो बस शुरुआत मैंने कर दी थी पेरी पेरी बाइट्स बनाने से, आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूंगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बनती हैं और बहुत यम्मी होती हैं। सुबह उठ के मैंने चिकन निकाल ली थी और जैसे ही वो डिफ्रॉस्ट हुई मैंने उसके अंदर नॉर्मल टिक्का और तंदूरी मसाला जो शान का मिलता है वो थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख, और अब बस मैं उसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँ। दूसरी तरफ मैंने हरी मिर्चों को वॉश करके पानी के अंदर भिगो के रख लिया था ताकि वो अच्छे से फूल के अंदर, बस अब ध्यान से मैं कट लगाऊंगी, बहुत ज्यादा कट भी ना लगे, फिर फिलिंग ठहरती नहीं है। चिकन तो मेरी बस फ्राई होने में ही गल जाएगी, बस मैंने फटाफट प्रिपरेशन शुरू कर दी थी इसकी फिलिंग और कोटिंग की। एक अंडा लेके मैंने फेंट लिया है, लेकिन बाद में मैंने इसमें एक अंडा और ऐड किया
था कोटिंग करते हुए कम पड़ गया था। कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, आप घर में भी बना सकते हैं अगर आपके पास हैं। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं बने हुए थे तो मैंने रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज करे हैं, और साथ में मैदा। और चीज के लिए ना मैं यूज करती हूँ ये मोज़ेरेला, मुझे पूरे पूरे ये स्लाइसेस मिलते हैं और ये ना काफी थिक स्लाइसेस होते हैं, जो नॉर्मल चीज स्लाइस होता है उससे थोड़े डबल साइज के होते हैं। ये मैं इसलिए रहती हूँ क्योंकि एक तो इनको फिल करना बहुत आसान है, फिर जब ये फ्राई होते हैं ना तो वो जो एक लंबी सी वो एक लेयर निकलती है चीज की, वो बड़े मजे का इसका टेक्सचर बन जाता है। और इस तरीके से मैं उन्हें ऐसे लंबा लंबा काट लेती हूँ ना तो मुझे फिल करने में बहुत आसानी रहती है। चिकन के साथ भी मैं यही करती हूँ, चेस्ट पीस लेके उसको लंबा लंबा जुगलन साइज में काट लेती हूँ, और फिर जब मुझे फिल करनी होती है चिलीज तो बस फिर मैं एक पीस चिकन का और ऐसे स्लाइस एक रख के चीज का उसको फिल कर देती हूँ, तो काफी कन्वीनियंट रहता है। ये देखें कितना नीटली इसके अंदर फिलिंग हो गई, वरना ना बहुत मेस क्रिएट होता था मुझसे पहले। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत थोड़ी फिलिंग करती हूँ, लाइक मैं दो पीसेस ऑफ चिकन रख रही हूँ, साथ में एक मोटा स्लाइस ऑफ चीज रख रही हूँ, सो काफी अच्छी सी फिलिंग हो जाती है और बहुत मजे के बनते हैं ये। वैसे तो हर किसी का अपना अलग ही स्टाइल होता है बनाने का, आई नो आप लोग भी बहुत मजे के पेरी बाइट्स बनाते होंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग माई टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे मेरा काम आसान हो जाता है और चीज भी बहुत मजे की बनती है। चलिए जी, जब मैंने सारी मिर्चें फिल कर ली, अब मैं की कोटिंग करूंगी, और जैसे सब कोटिंग करते हैं वैसे ही करूंगी। पहले मैंने इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर कोट कर लिया, फिर उसके बाद अंडा, और फिर उसके बाद मैंने लगा लिए ब्रेड क्रम्स, और फिर उसके बाद सेकंड कोटिंग भी करी है मैंने। जितनी अच्छी कोटिंग होगी ना उतना ज्यादा मजे के क्रिस्पी पेरी पेरी बाइट्स बनते हैं। जब वो डीप फ्राई होते हैं ना तो उनका जो बैटर है या जो मसाला उसके ऊपर कोट किया हुआ है वो हटता भी नहीं है। वैसे आपस की बात है, ये कोटिंग करते हुए ना मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही थी, जो पहली चिली थी ना उसकी बहुत अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाई थी, बट फिर उसके बाद मुझे समझ आ गई कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देन फिर मेरा हाथ सेट हो गया तो बारी बारी सारी जो चिलीज हैं उस पर मैंने कोटिंग कर दी। जी हमारी पेरी पेरी बाइट्स रेडी हैं, बहुत अच्छे से इनके ऊपर कोटिंग हो गई थी। ये सारी तो अभी यूज नहीं होंगी इसलिए मैंने इन सब को फ्रीजर में ऐसे ही रख दिया था। जो छोटी वाली प्लेट है वो मैंने अभी फ्राई करनी है, जो बड़ी प्लेट वाली है उनको मैंने फ्रीजर में रख दिया था, ये थोड़ी सी फ्रीज हो जाए, फिर उसके बाद मैं इनको जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज करूंगी ताकि फिर इनकी कोटिंग सारी निकले ना वो सब फ्रीज हो जाएगी तो जम जाएगी। अब मैं लग गई थी अपनी हाई टी के दूसरे आइटम के ऊपर। मेरे फ्रिज में बॉयल चिकन रखी हुई होती है मोस्टली, बहुत हैंडी रहती है, कभी आपने ब्रेकफास्ट में यूज करनी है या सूप वगैरह बनाना है तो मेरे लिए काफी हैंडी रहती है। तो मोस्टली मेरे फ्रिज के अंदर आपको बॉयल चिकन दिखेगी, मैंने बस वो बाहर निकाली, उसके अंदर मैं ऐसे थोड़े से गाजर और ऐसे थोड़ी सी बंदगोभी डालूंगी। चिकन की क्वांटिटी डबल होगी, जो वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ गाजर और गोभी वो बहुत थोड़ी सी होंगी। ये सैंडविचेस मैंने पाकिस्तान में बाजी के घर खाए थे और मुझे बहुत मजे के लगे थे, बस मैंने उनसे रेसिपी पूछ ली थी और मैं आज इन्हें ट्राई कर रही थी। बहुत सिंपल से लेकिन बहुत ही मजेदार, जैसे हम महंगे महंगे कैफेज में जाके सैंडविचेस खाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही बने थे। कैरेट, कैबेज और उससे डबल क्वांटिटी में चिकन, उसके अंदर काफी सारी मायोनीज, सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। सारा जो कमाल है ना वो चिकन और मायोनीज का है, चिकन की क्वांटिटी भी ज्यादा है और मायोनीज भी ज्यादा क्वांटिटी की है। ये हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मजेदार बहुत है। वन टिप, आप कोशिश करें चिकन जो यूज करें वो चेस्ट पीस यूज करें, उसके सैंडविचेस अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, मेरी ये पेरी पेरी बाइट्स भी इतनी देर में फ्रीज हो गई थी, बस अब मैं इनको इस तरीके से पैकेट्स बना के रख दूंगी, जब कभी भी दिल चाहेगा इसको निकाल के फ्राई किया और बस काम हो गया। साथ ही साथ मैंने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया था, बस अब फटाफट से फ्राइंग का काम स्टार्ट होगा। फ्राइंग भी मैंने देख के करनी है, पहले कौन सी चीज बाद में कौन सी चीज, क्योंकि ये जो पेरी पेरी बाइट्स है ना ये अपनी कोटिंग पूरी नीचे छोड़ देती है ऑयल के अंदर, तो फिर उसके बाद ऑयल इस काबिल नहीं होगा कि आप उसके अंदर कुछ और फ्राई करें। बस ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको देखना पड़ता है कुकिंग करते हुए। और मेरे मियां जी ने मुझे ऑर्डर दे दिया था कि समोसे भी फ्राई कर लें, इतनी सारी चीजें
होने के बावजूद भी उन्हें समोसे चाहिए। ही जस्ट लव समोसा। आजकल ना मैं ये पंजाबी स्टाइल की दही फुल्कियां बना रही हूँ और ये मुझे इतने मजे की लग रही हैं, सो मैंने सोचा चलो ये भी बना लेते हैं। बस बूंदी और जो बड़ी वाली फुल्कियां होती हैं उनको पानी में डाल के फिर मैंने दही के अंदर ऐड कर लिया था। उसके बाद बॉयल चने और आलू ऐड कर दिए थे। बस ऊपर से अनियन और टमाटर मैं ऐड कर दूंगी। अनियन का मैंने पानी सारा निकाल दिया था ताकि उसकी तेजी खत्म हो जाए। मसाले मैंने बस सिर्फ चाट मसाला, नमक और कुटी मिर्ची ऐड करी थी। हमारे घर में ना इस तरह की दही फुल्कियां नहीं बनती हैं पर मुझे बहुत पसंद आ रही हैं आजकल, सो बस मैंने ये भी बना लिया था। बस 3 समोसे फ्राई किए थे। ये मजेदार से यूनाइटेड किंग की पापड़ी मैं चाट के ऊपर बिल्कुल सर्व करते हुए ऐड करूंगी ताकि वो सौगी ना हो जाए। बस अब अपने सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। मैं ये कॉर्नर्स काट रही हूँ क्योंकि जो इस तरह के सैंडविचेस होते हैं उसमें अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी जो ये रिमेनिंग कॉर्नर्स हैं ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, मैं इनके बना लूंगी ब्रेड क्रम्स। फ्राइंग के लिए सबसे पहले मैंने समोसे डाले थे ताकि वो बिल्कुल फ्रेश ऑयल के अंदर फ्राई हो जाएं। तेल गरम होने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर समोसे फ्राई करे मैंने ताकि क्रिस्पी बने और जले ना। साथ साथ सैंडविचेस की तैयारी भी चल रही है और जो भी मैस क्रिएट होता है वो मैं हाथ के हाथ समेटती हूँ, वरना फिर बाद में ना किचन में अंदर आने का दिल नहीं करता, इतना बिखरा हुआ होता है। सैंडविचेस के लिए मैं ब्रेड के ऊपर लगा लूँगी केचप क्योंकि मायोनीज तो सैंडविच के बैटर के अंदर खुद बहुत सारी है और बटर अगर लगाओगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। बस मैंने केचप लगा लिया और बहुत जेनरस सी फिलिंग हमने करनी है, दिल खोल के फिलिंग करनी है। जितनी ज़्यादा अच्छी फिलिंग होगी उतने अच्छे ये सैंडविचेस बनेंगे। बढ़िया मेक श्योर कि इतनी ज़्यादा फिलिंग भी ना हो कि सैंडविच फिर आपसे बंद ही ना हो। बस अपने अंदाजे से बहुत अच्छी सी फिलिंग हमने कर देनी है। लाइक मैंने ये जितना भी बैटर बनाया था ये मेरे 4 सैंडविचेस में कंप्लीट खत्म हो गया था। एंड ट्रस्ट मी ये इतने मजे के बनते हैं ना, आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इनफैक्ट ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बनाकर, बहुत ज्यादा यमी है और बच्चों के लिए खाने में भी आसानी होगी एंड दे विल लव इट। थोड़ा सा केचप मैंने ऊपर टॉप अप कर दिया था और मैंने इसमें ऐसे पतले पतले काट के खीरे रख दिए थे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, रेसिपी का पार्ट नहीं है। जो मैंने पाकिस्तान में खाए थे उसमें खीरे ऐड नहीं थे। मुझे अच्छे लगते हैं खीरे और मेरा ये होता है कि कोई रॉ सब्जी जरूर पेट में जाए, तो फिर इसलिए मैंने खीरा काट के ऊपर रख दिया था, सिंपली बिकॉज आई लाइक हीरे इन माई सैंडविचेस। बट ये रेसिपी का पार्ट नहीं है, आप लोग इसको इजिली स्किप कर सकते हैं। बस ब्रेड को ऊपर से रख के हल्के हाथ से बिल्कुल पुश करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इसको कट करेंगे ताकि फिलिंग बिल्कुल भी इधर उधर ना निकले। और क्योंकि इसके अंदर मायोनीज है इसलिए वो बिल्कुल भी निकलती नहीं है, बहुत इजिली कट हो जाता है, मैसी नहीं होता है। और अगर मैसी हो भी जाए तो कोई बात नहीं यार, उसको फिर से सेट कर लेना, थोड़ी बहुत चीजें तो ऊपर नीचे हो ही सकती है, नोबडी इज परफेक्ट। जैसे मैंने अभी साफ किया थोड़ा सा नीचे गिर गया था। एंड जी हमारे फ्राइज भी फ्राई हो गए हैं मजेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी। बस मैं इनको निकाल लूंगी और फौरन ही मैं आलू वाले जो पकोड़े होते हैं बस उनको डालना शुरू करूंगी ताकि बस फ्राइंग जो है ना वो साथ साथ मेरी चलती रहे, रुके ना, क्योंकि फिर रोजे का टाइम भी होने वाला था और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। तो मैं चाह रही थी कि अजान से 5-6 मिनट पहले ही मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। आलू वाले पकोड़े ना अभी रमजान गुजरे मगर फिर भी इनसे दिल नहीं भरा। मैंने सोचा जब इतनी सारी फ्राइंग हो ही रही है और इतना सब कुछ खाया ही जा रहा है तो चलो थोड़े से आलू वाले पकौड़े भी खा ही लेते हैं यार, मेरी हाईटी के मेन्यू में एक आइटम ही ऐड हो जाएगा। और बस अब फ्राइज को सीजन करेंगे और ये क्रिस्पी सॉल्टी फ्राइज मैंने हमारे सैंडविचेस के प्लेटर के ऊपर ऐसे रख दिए थे और ये मसेदार सा प्लेटर रेडी हो गया है। साथ ही साथ आलू के पकोड़े भी फ्राई हो गए हैं। और यार मैंने ना इतनी थोड़ी थोड़ी चीजें बनाई थी उसके बाद भी इतना कुछ बन गया था और ये हमारे खाने तक की छुट्टी हो गई थी। बस यही हमारी हाई टी, हमारा डिनर, इफ्तार सब कुछ बस यही था। इनफैक्ट बच भी गया था, फिर वो हमने नेक्स्ट डे एंजॉय किया। और अब बारी थी हमारी जो पेरी पेरी बाइट्स है उनको फ्राई करने की। एज आई टोल्ड यू गाइस इनको मैं सबसे एंड में फ्राई करूंगी क्योंकि ये ऑयल को काफी गंदा कर देती हैं। और मैंने सोचा कि इसका सॉस भी बना लें क्योंकि पेरी पेरी बाइट्स ना अपने सॉस के साथ ही अच्छी लगती हैं। उसके लिए लिया मैंने मायोनीज, गार्लिक पेरी पेरी सॉस, चिली सॉस एंड 1000 आइलैंड सॉस। ये सारे सॉसेस मिला के मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया था और ये बहुत यमी बना था। पेरी पेरी बाइट्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, बहुत ही मजे का माइल्ड सा एक सॉस बना था। और बस अब टेबल सेट करने की बारी आ चुकी है। जो मैंने ये दही फुल्कियां बनाई थी उसके ऊपर मैंने चाट पापड़ी भी डाल दी,
फ्राइंग भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बस मैं इन पेरी पेरी बाइट्स को चेक कर रही थी, इनको टर्न कर रही थी ताकि ये बहुत ज्यादा भी जो है वो ब्राउन ना हो जाए, इनका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। वैसे भी अंदर जो भी आइटम होता है वो ऑलरेडी पका हुआ ही होता है। बस जैसे ही अच्छा सा कलर आया मैंने बाहर निकाल लिया और आप लोग देख सकते हैं कितने परफेक्टली फ्राई हुए हैं, कितने मजे के लग रहे हैं। सारे फ्राइंग आइटम्स कंप्लीट हो गए तो मैं वो प्लेटर भी ले आई टेबल के ऊपर, और ये फ्रूट चाट भी हाँ मैंने बनाई थी पर इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों को फ्रूट चाट बनाते हुए दिखा चुकी थी, फिर वो कंटेंट रिपीट हो जाता है। इसके अलावा ये डेट्स जो मैंने बना के रखी हुई हैं, ये मैं डेली बेसिस पे ही हम लोग खा रहे हैं इन डेट्स। ये इतने मजे की डेट्स हैं कि जो हमारी स्वीट डिश की क्रेविंग होती है ना वो इससे हम कंप्लीट करते हैं। सो ये मेरी मजेदार सी हाई टी टेबल रेडी है, बहुत मजेदार से सैंडविचेस, पेरी पेरी बाइट्स, आलू पकोड़ा, चिकन समोसा, दही फुल्की चाट और उसके साथ फ्राइज, फ्रूट चाट और डेट्स। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपीज अच्छी लगी होंगी जो मैंने शेयर करी हैं। अगर लगी हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।